चंडीगढ़ विच अज तो 3 दिनों तक किसानों का धरना शुरू होगा। यह प्रदर्शन 28 नवंबर तक जारी रहेगा। किसान केंद्र सरकार के वादे तो मुकरन का दोष लाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दे नाल ही चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों नूं सरहद ते ही रोकने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने मोहाली अते पंचकूला तो आने वाले रस्तियां ते भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिती है। किसी भी किसान जथेबंदी नूं शहर विच वड़न नहीं दिता जाएगा। पंचकूला पुलिस कमिश्नर वालों किसानों के अंदोलन नूं लैके चेतावनी जारी की गई है। इस विच उन्हां पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्मां दा हवाला दिंदिआं कहा है कि बिना इजाजत तो प्रदर्शनकारी पंचकूला के अंदर या बाहर वाहनों की आवाजाई विच विघन नहीं पा सकते अते चंडीगढ़ वल मार्च करन लई वक्री इजाजत लैनी पवेगी। नीतू बजाज बनाम हरियाणा राज दे मामले विच हुक्म जारी करते हुए अदालत ने कहा सी कि कोई भी व्यक्ति संगठन या व्यक्ति का समूह किसी भी जनतक स्थान या सड़कों पर किसी भी तरह की आवाजाई विच रुकावट नहीं पा सकता। अजिहे विच इह प्रदर्शन अदालती हुक्मां की उलंघना है। मोहाली तो आने वाले किसानों नूं चंडीगढ़ के सरहदी पिंड फैदा विखे रोकिया जाएगा। पुलिस वालों इत्थे बैरीकेडिंग की जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने इसलिए मोहाली पुलिस नाल कई दौर की गलबात भी की है। इस सरहद तो आम लोगों लई रस्ता भी मोड़ दिता गया है। पुलिस सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक चंडीगढ़ प्रशासन ने किसानों नूं रोकण लई 3 पद्धरी सुरक्षा व्यवस्था की है। इस चंडीगढ़ पुलिस के जवान पहली लेयर विच तैनात होणगे। चंडीगढ़ पुलिस के रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दूजी परत विच तैनात किए जाएंगे। उन्होंने नाल वजर वाहन और जल तोपा भी तैनात रहनगियां। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों तीजी लेयर विच तैनात किया।